इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल. बेसिकली अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स को या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को दोबारा से रिकॉल करें तो फॉर्मल इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या इफ वी डिफाइन फॉर्मल कम्युनिकेशन तो इट इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन जिसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. इनफॉर्मल इज समथिंग दैट इज अनसिस्टमैटिक जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है. दैट टाइप ऑफ फॉर्मेट इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. After that, we talk about the objective, जो हमें आज डिस्कस करने हैं. सबसे पहले क्या है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, कल्चर, प्रोडक्ट, मार्केट रिसर्च, डिजाइन, विजन, मिशन, गोल. अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कम्युनिकेशन की तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में आता है इंफॉर्मेशन. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स, रेगुलेशंस, मिशन, विजन, प्रोडक्ट, मार्केट रिसर्च, डिसीजंस, किसी भी चीज से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड टू शेयर इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज एडवाइस एंड काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग गाइडेंस इज येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. सीनियर एक्सपर्ट कैन हेल्प एम्प्लॉय वाइल ट्रबलशूटिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, असिस्ट देम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड बॉन्ड बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू एडवाइस एंड काउंसलिंग. अब एडवाइस करना भी प्रॉपर गाइडेंस देना तो क्राइसिस है किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होनी है तो इट इज रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन. ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन मींस इज टू गिविंग डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज. एनी ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेशन इज टू गाइड अ सुपीरियर इन ऑर्डर टू मॉनिटर व्हेन एन ऑर्डर इज स्प्रेड फर्दर टू मीट स्पेसिफिक इश्यू विल बिकम्स इंस्ट्रक्शन. तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि गिविंग डायरेक्शन कम्युनिकेशन exposure to the employee's talent, employee value and develop the sense of belonging. So suggestion is also one of the objective of communication. You basically suggest to basically how to forward an idea. कि भाई अगर आपके दिमाग में कोई idea है, कोई consideration है, चाहे वो upward या downward किसी भी direction में आप उसको share कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि जो employees की encouragement है वो बढ़ता है. They will encourage their creative thinking. If suggestions will be invited, ठीक है? Persuasion is an effort to influence the mind, belief system, attitude of a person to bring about a desired change in his or her behavior. So it also one of the objective of communication is to persuade. Persuasion का मतलब क्या होता है? एक effort जिसमें you will influence the mind, the belief system, you will influence the person to basically share sort of information. अगर आपका इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या एटीट्यूड है, व्हाट डू यू बिलीव अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और इवेंट, तो उसके लिए आप उनको पर्सुएड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम उनसे शेयर. नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप टू टेक बाय पर्सुएशन. अब अगर मैं पर्सुएशन की बात करूं तो जब हम पर्सुएशन का प्रोसेस की बात करें तो उसमें चार स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, यू विल आइडेंटिफाई. आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग द रिसीवर, you will prepare the receiver to listen up what you want to share, deliver the message, okay, and prompting action. Once you have identified, aapne identify kiya ki bhai this is the point I need to share, jiske liye you will feel persuaded, you will feel influenced, then you will prepare the receiver who will listen to your information. After that you will deliver the message, aapka message kahan tak pahunchega, and then prompt action will be taken. तो वो देखता है कि how much you are persuading, कैसा आप behave कर रहे हैं इस information को सुनने के बाद. Important factor आपको क्या ध्यान रखना है, persuader, character and reputation. देखिए हर किसी की बात से हम influence नहीं होते. It is very general fact कि कोई भी अगर आपको कुछ भी आगे कह देगा तो इतनी जल्दी हम चीजों को नहीं मानते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते. तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि पर्सुएडर का क्या कैरेक्टर है या फिर क्या रेपुटेशन है. If someone who is serious in nature, who has some value of his word, उसकी कहीं कहीं बातों को
सीरियसली लेते नहीं है इन्फ्लुएंस के रूप में, ठीक है। पर्सुएटर मस्ट मेक सूटेबल एंड इफेक्टिव इमोशनल अपील। अब आपको जो सूट कर रहा है उसी तरीके से आप पर्सुएट करें, इमोशनल अपील होनी चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अगर कोई बात बता दूं, आई वांट यू टू लिसन, तो मुझे बात बताने का जो ये तरीका है, जो ये मेरी अपील है, वो थोड़ी सी इफेक्टिव और इमोशनल अपील होनी चाहिए। पीपल विल लिसन, वो कैसे पर्सुएट होते हैं, ठीक है। पर्सुएटर मस्ट लॉजिकली प्रेजेंट हिज आइडियाज एंड देयर मस्ट बी अ रीजनेबल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज। मतलब बहुत ही रीजनेबल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी आपने बोल दिया और लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। नो भाई, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, लोगों से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड एन इमोशनल अपील। और बहुत ही मतलब इस तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि सुनने वाला उनकी बातों पे मतलब सुनने के बाद दे विल प्रॉम्प्टली एक्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आफ्टर दैट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट द मैनेजमेंट लेवल, एम्प्लॉइज लेवल एंड एट द लेवल आउटसाइड द पब्लिक। ये भी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, to educate and train, चाहे वो management level हो, employee level हो, या level outside का। Motivation is also one of the objective means. Energize, activates or move with directs or channels behave towards a main goal. Setting up the right kind of reward system, inviting employee for participation in decision making. तो इससे क्या होगा कि लोग motivated feel होंगे। कि आप एक अच्छा system maintain करें, लोगों को invite करें, अपने bottom view रखें, चीजों में participate करें, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, तो ये भी सब उससे रिलेटेड होता है। रेजिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन वेयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई मोरल आर लो मोरल। मैनेजमेंट कैन बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उनको देकर, रिवॉर्ड देकर, ऑफिशियल चैनल के थ्रू स्ट्रेंथनिंग करके, तो ये सब चीजों की वजह से आप उनको मोरल को हाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट सर्टेन स्ट्रेटजीज ऑफ एमएनसीज पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन का
की योगा क्लासेस, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, वर्क लाइफ बैलेंस एक्टिविटीज हैं, यू विल अलाउ पेट्स इन द ऑफिस, अनलिमिटेड वेकेशन डेज, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑन साइट जिम अलग अवेलेबल होता है, तो इससे भी लोगों का जो वर्क लाइफ बैलेंस एक एग्जाम्पल दिया है उससे भी चीज आसान हो जाती है, क्योंकि जो हम अभी मोरल बिल्डिंग के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। So this is all about. Next is bonding and temperament. To bond is to inform a person about unpleasant consequences. So ये भी communication का objective होता है कि वो यहाँ पे suggestions दे रहा है, but आप bonding को भी इसमें involve कर सकते हैं। So this is all about the objective of communication. I hope आप इसको इजीली समझ पाए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई problem है तो आप comment section में mention कर सकते हैं। वन बाय वन टॉपिक का कंटेंट आपको शेयर कर दिया जाएगा जिसको कि आप फॉलो कर सकती हैं। इसकी बाकी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कनेक्ट।